Hello guys, welcome to Panni Online. In our previous video, we have discussed about mind-blowing tricks of ranking test of verbal reasoning. And today we are going to discuss about word machine problems, and we use very simple tricks to solve word machine problems within 5 seconds. If you like this video, then like it, share it within your friend circles like Face group, WhatsApp group and other social media platforms like Instagram, Twitter, so that they can also take benefits of this video. Still, if you not subscribe our channel, then subscribe it and press bell button so that you receive our next video notification. Watch this video till end in order to understand the concept of word power machines. Word power machine problems are of various types, like only numbers, only words, mixing of words and numbers. There is just one logic to simplify the problems of word machines, which we will discuss in the end of this video. And after that, you still have any problem, then feel free to comment us. We will solve your problems as soon as possible. So, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। वर्ड मशीन लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजनिंग है जो आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ रही है और बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट ट्रिक्स आपको नहीं आते तो आप इसको जल्दी से नहीं कर सकते, तो समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसीलिए हमने शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको ये आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड सर्कल में। तो चलते हैं अपने वीडियो की ओर, लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। Here important expected MCQs, reasoning 1, word and letter machines. Give the answer of given questions after studying the information. When a word and number arrangement machine is given an input of word and number, you can understand these given information and follow these rules to create the steps of given input. After creating steps of this input, you will be able to solve given questions. In this input, initiators 32, 67 of 40, the company 21 are 1896 humble. आपने इस इनपुट को अच्छी तरह से चेक करना है और जो नीचे स्टेप्स क्रिएट किए गए हैं उनको भी आपने देखना है कि इनको कैसे अरेंज किया गया है। अभी मैं इसी में से आपको समझाऊंगी कि कैसे इसको अरेंज करते हैं। इजी, बिल्कुल भी इजी वे है। तो सबसे पहले हमने ये मिक्स अरेंजमेंट हमने आपको करके बताया है वर्ड्स और नंबर्स का। एक सैम्पल जो हमने इसमें दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर इसको फॉलो करेंगे इन रूल्स को तो आप अच्छे से इसको जज कर पाओगे और जल्दी से इसको सोल्व कर पाओगे। बहुत ही सिंपल वे है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले हमने नंबर्स लेने हैं। इन दिस इनपुट फर्स्ट ऑफ ऑल टू लिस्ट नंबर फाइंड आउट करने हैं। टू लिस्ट नंबर्स, हेयर नंबर्स आर, नंबर्स आर 21 एंड 18। लिस्ट नंबर, टू लिस्ट नंबर 21 एंड 18,
टेक लिस्ट ऑफ दीज टू नंबर्स टू लास्ट एंड विगर नंबर टू फर्स्ट। सबसे पहले हमने इसमें क्या किया है कि सबसे पहले हमने देखनी है जो दो सबसे छोटे नंबर्स हैं उनको हमने पिक कर लेना है, इसमें से फाइंड करना है, और उसके बाद जो सबसे छोटा नंबर है उसको हमने इस अरेंजमेंट जो दिया हुआ है इसके लास्ट में रख देना है, और जो बड़ा नंबर है उसको स्टार्टिंग में रख देना है। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट स्टेप क्रिएट किया है, फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, सबसे पहले इन्होंने जो 18 था उसको इस इनपुट के लास्ट में रख दिया, और जो 21 था उसको स्टार्टिंग में हमने पुट कर दिया। तो उसके बाद जो इनपुट है उसको हमने एज इट इज़ ही लिख दिया, तो हमारा फर्स्ट स्टेप इसमें इन्होंने क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में, इन सेकेंड स्टेप नाउ टेक टू वर्ड्स विच अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, टेक टू वर्ड्स विच अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट आर एंड कंपनी, टू वर्ड्स आर्स एंड कंपनी अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, टेक आर टू द लास्ट, टेक आर टू द लास्ट एंड कंपनी टू द फर्स्ट, टेक आर टू द लास्ट एंड कंपनी टू द फर्स्ट टू द गिवन इनपुट। ओके, तो इसमें हमने क्या किया, इन वर्ड्स को ले लिया जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सबसे पहले आते हैं, जैसे ए बी सी सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर हम देखिए ए बी सी डी ई एफ जी, तो ए पहले आया और सी जो है इसका फर्स्ट लेटर हमने देखना है, सी जो है वो उसके बाद में आया, तो ए वाला जो वर्ड है वो हमने स्टार्टिंग लास्ट में रख दिया और जो सी वाला है उसको स्टार्टिंग में रख दिया, उसके बाद जो इनपुट है उसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो हमारा सेकेंड जो है वो तैयार हो गया स्टेप। अब नेक्स्ट जो है वो है थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने फिर से नंबर्स को अरेंज करना है, टेक टू नंबर्स टू लिस्ट नंबर्स, टू लिस्ट नंबर्स आर 40 and 32, लिस्ट नंबर्स आर 40 and 32 एंड टेक लिस्ट of these two number to last and bigger number to first, least number to the last and bigger number to the first। ओके, ऑलराइट। क्या किया इसमें हमने कि ये नेक्स्ट वाले दो जो सबसे छोटे नंबर्स थे उनको हमने लिया और जो सबसे छोटा नंबर है उसको लास्ट में रख दिया, और सबसे जो उससे बड़ा नंबर है 32 और 40 में जो बड़ा है उसको हमने आगे रख दिया, और बाकी की जो हमारी इनपुट है उसको एज इट इज़ हमने लिख दिया। तो ऐसे ही हमारी क्रिएशन हो रही है, स्टार्टिंग से हमने स्टार्ट किया था और हम कहाँ तक पहुँच गए, तो ये तीन हमने अरेंज कर लिए, तीन स्टेप हो गए हमारे। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हमारा होगा कि वर्ड्स का अरेंजमेंट करना है। सबसे पहले हमने देखने हैं कि अल्फाबेटिकली जो हमारा ऑर्डर है सबसे पहले जो वर्ड आता है उसको हमने चूज़ करना है, और उसके बाद वाला जो आता है उसको चूज़ करना है। टेक नाउ टेक टू वर्ड्स विच इज़ अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, टेक फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट एंड नेक्स्ट टू द स्टार्टिंग। तो इसमें हमने क्या किया है, इसमें से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से टू वर्ड्स हमारे नेक्स्ट में आएंगे। इसमें से हमारे आएंगे इनिशिएटर और हम्बल। तो हम्बल जो है वो पहले आएगा, इनिशिएटर्स बाद में आएगा। हम्बल को हमने लास्ट में रखना है और इनिशिएटर्स को हमने स्टार्टिंग में रखना है। तो हमारा फोर्थ जो है स्टेप है वो क्रिएट हो जाएगा। हमने लास्ट में रख दिया हम्बल, और इनिशिएटर हमने नहीं रखा है, इन्होंने दिया हुआ है, गिवन है जी, तो इसको हम चेक कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने अपना जो नेक्स्ट अरेंजमेंट है उसको बनाना है, जो हमें इनपुट दिया गया है उसमें से क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो स्टेप्स जो है हमने खुद क्रिएट करने होते हैं इसमें।
तो ये हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। बाकी की एज इट इज हमने इनपुट लिख दी। नेक्स्ट स्टेप में भी हमने लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप में पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से हमारे जो नंबर्स हैं वो है 96 और 67। नेक्स्ट वाले जो नंबर्स हैं वो हमारे आएंगे 96 और 67। 67 जो है हमारा लीस्ट नंबर है, 96 हमारा जो है बिगर नंबर है, तो 67 हम लास्ट में रखेंगे, 96 हमारा जो है वो फर्स्ट में आएगा। 96 हमने आगे रख लिया और 67 को हमने पीछे रख लिया, बाकी के इनपुट को एज इट इज़ लिख दिया। तो हमारा जो है फिफ्थ स्टेप जो है हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने देखना है कि क्या अरेंजमेंट हमारा रहता है। अब हमने वर्ड्स को चूज़ करना है। अब हमारे वर्ड्स जो है एक तो ऑफ रह गया और उसमें से हमारा नेक्स्ट जो है वो द रहता है, तो इसको हमने अरेंज करना है लास्ट वाले सेंटेंस में। तो लास्ट सेंटेंस में हमारा जो आ गया ऑफ जो है पहले आता है उसको हमने लास्ट में लिख दिया, द बाद में आता है उसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रिएट हो गया। ऑल राइट, गोट इट, समझ में आया आपको सभी को? तो चलते हैं हम नेक्स्ट। हमारा जो दिया गया है, फॉलो द अबव रूल्स एंड गिव द आंसर बेस्ड ऑन गिवन इनपुट। इनपुट हेयर इज पेरेंटिंग 1636 एंड रेजिंग 44 चिल्ड्रन, 21 इज 89 वेरी, 95 डिमांडिंग, 72 योग, 65। ऑल राइट, तो इसमें से हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आपने चेक करने हैं, लेकिन क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब इसका आप पहले स्टेप्स क्रिएट करोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे स्टेप्स के बारे में ही पूछा गया है, तो सबसे पहले हम इसके स्टेप्स क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। बिना स्टेप्स के क्रिएट किए हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ऑल राइट, इनपुट है पर्टेनिंग जो हमने ऊपर की थी, उसके बाद हम स्टेप्स क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट टू लिस्ट नंबर्स, हेयर नंबर्स आर, फाइंड आउट टू लिस्ट नंबर्स, हेयर नंबर्स आर 21 एंड 16, 21 एंड 16, लिस्ट नंबर्स आर 21 एंड 16, एंड टेक लिस्ट ऑफ दीज टू नंबर्स टू लास्ट एंड विगर नंबर टू फर्स्ट। लिस्ट नंबर हमने ले लिया, हमने ये दो नंबर ले लिए। सबसे पहले तो मैं आपको हिंदी में भी बता रही हूँ और इंग्लिश में भी बता रही हूँ, आपको जिस लैंग्वेज में आपको इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने जो सबसे छोटा नंबर था 16 उसको ले लिया और 21 को ले लिया। अब हमारे जो ऊपर हमने किया था फर्स्ट स्टेप, उसमें क्या रूल था कि जो सबसे छोटा है उसको हमने पीछे रखना है लास्ट में, और जो सबसे बड़ा है उसको हमने स्टार्टिंग में रखना है, बाकी की जो इनपुट है उसको हमने एज इट इज़ लिख देना है। राइट, हमारा फर्स्ट स्टेप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इन सेकंड स्टेप, नाउ टेक टू वर्ड्स विच आर अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट। फर्स्ट अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट एंड रेजिंग कम्स फर्स्ट। टेक एंड टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एंड रेजिंग टू द सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चेक करने हैं हमने। सेकेंड स्टेप, नाउ टेक टू वर्ड्स विच अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट टेक एंड टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एंड टेक चिल्ड्रन टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। इसमें हमने क्या किया कि दो वर्ड्स हमने चूज किए, उनको हमने अरेंज करना है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सबसे पहले आते हैं। तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में ए सबसे पहले आता है और सी सबसे पहले आता है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस। तो इसमें हमने क्या किया, एंड को सबसे लास्ट में रख लिया और चिल्ड्रन को सबसे
फर्स्ट में स्टार्टिंग में रख दिया, उसके बाद जो एज इट इज़ हमारा सेंटेंस था उसको हमने लिख दिया, तो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो क्रिएट हो गया। नेक्स्ट थर्ड स्टेप इज टेक टू नंबर्स, लीस्ट नंबर्स आर, लीस्ट नंबर्स आर 36 एंड 44, टेक 36 टू द लास्ट ऑफ दिस सेंटेंस एंड 44 टू द स्टार्टिंग। लीस्ट नंबर लास्ट में और बिगर नंबर स्टार्टिंग में हमने लेना है, तो लास्ट में हमने 36 लिख दिया और स्टार्टिंग में हमने 44 लिख दिया, बाकी का सेंटेंस एज इट इज़ लिख दिया, हमारा थर्ड जो स्टेप है वो क्रिएट हो गया। राइट, फोर्थ स्टेप इज टेक टू वर्ड्स अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, टू वर्ड्स जो नेक्स्ट वाले हमारे आएंगे वो कौन से हैं, नेक्स्ट वाले हैं इज और डिमांडिंग। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में जो सबसे पहले आएगा डिमांडिंग पहले आएगा, इज उसके बाद में आएगा, तो डिमांडिंग को हमने क्या किया, डिमांडिंग को हमने लास्ट में रख दिया, इज को स्टार्टिंग में रख दिया। नाउ टेक टू वर्ड्स विच अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, टेक डिमांडिंग टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एंड इज टू द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। राइट, तो हमारा क्या है, क्रिएट हो गया नेक्स्ट स्टेप। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ स्टेप में, फिफ्थ स्टेप में क्या है, नंबर्स हमने क्रिएट करने हैं। अब देखने हैं हमने कि सबसे जो इसमें से जो स्मॉल नंबर्स हैं वो कौन कौन से रह गए हैं, हमारे रह गए हैं 72 और आई थिंक 65। राइट, 72 और 65 को हमने क्या किया, एंड में हमने 65 को रख दिया और 72 को हमने स्टार्टिंग में रख दिया, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रिएट हो गया एज इट इज़। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में, उसमें देखते हैं कि कौन सा हमारा जो वर्ड है वो आएगा, पेरेंटिंग। अल्फाबेटिकली ऑर्डर में आपने चूज करने हैं, ये हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा पेरेंटिंग एंड जॉब्स, एबीसी। अगर आप काउंट करके देखो एबीसी में आपने काउंट कर लेना है कि किसको हमने कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, तो अकॉर्डिंग दिस सेंटेंस जो नेक्स्ट हमारा स्टेप में आएगा वो आएगा जॉब्स एंड पेरेंटिंग। जॉब्स जो है पहले आता है अल्फाबेटिकली ऑर्डर में, जे और पी उसके बाद में आता है, तो अकॉर्डिंग टू दिस हमने इसको ऐसे ही फिक्स करना है। ये हमारा जो है नेक्स्ट स्टेप में पेरेंटिंग एंड जॉब्स, इस जॉब्स को हमने पीछे रख दिया, पेरेंटिंग को आगे रख दिया, बाकी का सेंटेंस जो है एज इट इज लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा नंबर जो है वो है 95 एंड 89। अब 95 और 89 में 89 जो है स्मॉल है उसको हमने पीछे रखना है, 95 को आगे रखना है, तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्रिएट हो जाएगा। 89 जो है इसको हमने सेंटेंस के एंड में रख दिया और 95 को आगे रख दिया, एज इट इज़ जो है हमारा सेंटेंस क्रिएट हो गया। ओके राइट, नेक्स्ट जो है लास्ट वन हमारा जो रह जाएगा वो हमारा होगा, जो बचे हुए हमारे हैं उनको हमने देखना है, वेरी और आई थिंक रेजिंग, तो ये हमारे नेक्स्ट स्टेप में आ जाएंगे लास्ट वाले में। तो लास्ट वाले में आएगा हमारा रेजिंग जो है पहले आता है उसको हमने लास्ट में रख दिया, और वेरी जो है पहले उसके बाद में आता है उसको हमने स्टार्टिंग में रख दिया, तो हमारे ये 8 स्टेप हमने क्रिएट कर लिए। इन 8 स्टेप्स के ऊपर ही हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बेस्ड हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस को चेक कर लेते हैं कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। राइट, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन विच स्टेप आर द एलिमेंट्स वेरी 95 परटेनिंग फाउंड इन सेम ऑर्डर। ये वाला जो ऑर्डर दिया है आपने ये चेक करना है कि कौन से स्टेप में ये काउंट होता है। राइट, तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा जो हमने बनाया है उस कौन से उसमें आ रहा है ये रेजिंग वाला। तो जहाँ से आप चेक करते जाना है कि कौन सा आएगा जो हमारा हमने क्वेश्चंस में दिया गया है, तो आई थिंक इसका जो आंसर होगा वो 8th वन होगा, वेरी 95 परटेनिंग, यही वाला हम आपसे पूछा गया है। तो हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा पूछा है हमसे, वेरी 95 परटेनिंग, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो 8th होगा,
स्टेप आंसर इसका आएगा ए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ थर्ड स्टेप। फ्रॉम द लास्ट में जो दिया होता है इसको आप इसी के ऊपर आपका जो क्वेश्चन है वो बेस्ड होता है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ थर्ड स्टेप। तो थर्ड स्टेप में से आपने लेफ्ट एंड से चेक करना है टेंथ फ्रॉम द फिफ्थ। तो इसका एक मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, यहाँ से आपने देखना है टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से कितने हैं आपके 5, ठीक है। थोड़ा सा और इसको इजी वे में करते हैं, लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड से कितने आपने टेंथ ढूंढना है, और जहाँ पे भी क्या है आपका फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो कितने हैं लेफ्ट फिफ्थ। तो अगर तो हमें सेम सेम दिया है, लेफ्ट लेफ्ट है राइट राइट है, तो हमने क्या करना है इसको माइनस कर देना है। 10 माइनस 5 कितने हो गए 5, तो हमने फिफ्थ प्लेस पे देखना है। विच एलिमेंट फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट एंड टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट, आपने क्या करना है चेक करना है इसको। सबसे पहले तो हमें लेफ्ट से हमने चेक करना है कि लेफ्ट से टेंथ है और नेक्स्ट जो है लेफ्ट से फिफ्थ है। जब सेम सेम दिए हैं हमें लेफ्ट लेफ्ट दिया है तो हम क्या करते हैं इसको माइनस करके इसको चेक कर लेते हैं, 10 में से 5 निकाले 5, तो हमने क्या देखना है फिफ्थ प्लेस देखना है वहाँ पे। और इसी के साथ अगर आपको डिफरेंट ऑर्डर दिया हो, लेफ्ट से 10 और राइट से 5, तब आपने क्या करना है इसको, तब आपने इसको प्लस करना है, तो 15 प्लेस देखना है राइट। और इसी तरह से अगर आपको राइट राइट दिया है तब भी आपने इसको क्या करना है प्लस माइनस करना है, अगर सेम ऑर्डर है तो माइनस करना है, अगर ऑर्डर जो है डिफरेंट है तो उसको आपने प्लस करना है। लेफ्ट राइट है या राइट लेफ्ट है तो आपने क्या करना है इसको प्लस करना है राइट। ये तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। अगर आपने इसको दूसरी तरह से चेक करना है तो इसको थोड़ा सा लेंथी भी हो जाएगा, कि पहले आपको फ्रॉम द लेफ्ट एंड आपने टेंथ देखना है, फ्रॉम द लेफ्ट एंड से अपना इसका जो जो एलिमेंट आपका होगा उसके उसको पहले टेंथ लेटर एलिमेंट ढूंढना है, उसके बाद आपने उसका फिर से लेफ्ट एंड ढूंढना है, कि उसके बाद आपने फिर से लेफ्ट साइड को काउंट करना है। पहले तो आपने टेंथ से लेफ्ट को काउंट किया, फिर उस एलिमेंट से टेंथ फिफ्थ काउंट करना है, तब आपका क्वेश्चन का जो आंसर है वो आ जाएगा। अब चलिए हम क्वेश्चन को चेक करते हैं, विच एलिमेंट इज फिफ्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द, तो आप हमने क्या करना था फिफ्थ देखना है थर्ड का, तो थर्ड का फिफ्थ हमारा कौन सा होगा, थर्ड स्टेप है, चेक करते हैं इसको 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर क्या आएगा रेजिंग आएगा। वैसे अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने चेक करना है तो सबसे पहले हमने टेंथ चेक करना था, फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, तो टेंथ हमारा डिमांडिंग आना था, उसके बाद फिर से हमने फिफ्थ ढूंढना था 1 2 3 4 5, तब हमारा क्या आना था तब भी रेजिंग आना था, लेकिन हमने इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ किया है तो हमारा जो है इजी हो जाएगा। तो हमने सीधा क्या करना है सिर्फ इसको इस अपने जो है लेफ्ट साइड से फिफ्थ ढूंढना है, 1 जैसे हमने 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर आ जाएगा रेजिंग राइट। नेक्स्ट वन है, इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा रेजिंग सेकेंड क्वेश्चन का। अब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टेप्स विल बी रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट द गिवन अरेंजमेंट, तो कितने स्टेप्स हमने किए हैं, 8 स्टेप्स किए हैं ना, तो अभी हमने जो क्रिएट किए थे एक बार मैं आपको चेक करवा देती हूँ, ये देखिए हमारे 8 स्टेप टोटल जो है वो यहाँ तक हुए हैं, तो 8 स्टेप हमने इसके अरेंजमेंट के किए हैं, तो इसका जो आंसर है वो 8th होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइज बिटवीन 72 एंड 42 इन फिफ्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप में आपने बताना है 72 और 44 के बीच में क्या आ रहा है, ठीक है। अब हम फिफ्थ स्टेप को चेक करते हैं,
ये हमारा जो है फिफ्थ स्टेप है, 72 एंड 44 के बीच में हमारा जो है वो इज आ रहा है, तो आंसर हमारा क्या होगा, इज होगा, आंसर है हमारा इज। ठीक है, तो आपकी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने जो आंसर्स है वो इनको यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब हम चलते हैं लास्ट में, जो हमने आपको बोला था कि इस के लास्ट में हम आपको डिस्कस करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में, तो इजी वे में आपको जो क्रिएशन है इसकी कैसे करनी है वो भी हमने इसका स्टेप्स जो है वो आपको बताए हैं, जहाँ शॉर्ट ट्रिक्स टू सॉल्व वर्ड मशीन प्रॉब्लम्स। तो ये हमारे जो है ट्रिक्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड टू लीस्ट नंबर्स, फॉर एग्जांपल इसमें जो दिए गए थे 16 एंड 21, एंड टेक लीस्ट ऑफ दीज टू नंबर टू लास्ट एंड बिगर नंबर टू द फर्स्ट। नाउ टेक टू नंबर्स विच अल्फाबेटिकली टू वर्ड्स आएगा, जहाँ पे टू वर्ड्स, सॉरी टेक टू जहाँ पे नंबर्स दिया है जहाँ पे वर्ड्स होगा, ठीक है, टू वर्ड्स विच अल्फाबेटिकली कम्स फर्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एंड और चिल्ड्रन कम्स फर्स्ट, टेक एंड टू द लास्ट ऑफ द सेंटेंस एंड चिल्ड्रन टू द स्टार्टिंग वैल्यू, रिपीट द अबव प्रोसीजर फॉर रिमेनिंग स्टेप्स, राइट। तो सेकेंड क्वेश्चन में थोड़ी सी जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी उसको मैंने यहाँ पे इजी करके बता दिया है कि टेंथ जो था डिमांडिंग इज टेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड रेजिंग इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट, जो एलिमेंट था डिमांडिंग टेंथ था, इसके हमने फिफ्थ में जाके देखना था वो एलिमेंट वो है डिमांडिंग है, तो मैंने इसको और भी आपको शॉर्ट ट्रिक में इजी करके बता दिया कि आपने फ्रॉम द एंड ऑफ से देखना है कि अगर सेम सेम ऑर्डर है तो उसको आपने माइनस करना है, अगर डिफरेंट ऑर्डर आ रहा है तो उसको प्लस करके आपने वहाँ से उसको चेक कर लेना है, ठीक है। अगर फ्रॉम द लेफ्ट एंड लिखा है तो लेफ्ट एंड से आपने चेक करना है, अगर फ्रॉम द राइट एंड लिखा है तो राइट एंड से आपने चेक करना है इसको। तो ये था हमारा आज का जो वीडियो था, तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन यू कैन लाइक इट, शेयर इट विद इन यूअर फ्रेंड्स ग्रुप एंड इन यूअर नियर एंड डियर्स फेस ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, सो दैट दे कैन एबल टू टेक बेनिफिट्स ऑफ दिस वीडियो। स्टिल इफ यू नॉट सब्सक्राइब अवर चैनल देन सब्सक्राइब इट, देन प्रेस बेल बटन सो दैट यू रिसीव आर नोटिफिकेशन, नेक्स्ट वीडियो नोटिफिकेशन। वॉच दिस वीडियो एंड शेयर एंड प्लीज कमेंट अस इफ यू परसीव एनी प्रॉब्लम, फील फ्री टू कमेंट अस, वी विल सॉल्व यूअर प्रॉब्लम्स एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही नए नए ट्रिक्स के साथ, नए नए वीडियोज के साथ हम आते रहेंगे। तो चलते हैं फिर, आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।